किसान साथियों नमस्कार। साथियों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको खरपतवार नाशक पहले डालना चाहिए या फिर उसमें खाद पहले डालना चाहिए। साथियों काफ़ी सारे किसान भाई हमारे एरिया में खाद की पहले छटाई कर देते हैं, यानी खेत में छिड़काव खाद का कर देते हैं, क्योंकि सोयाबीन से पहले, सोयाबीन बोने के पहले आगे सीड्रिल के आगे काफ़ी सारे किसान भाई खाद का छिड़काव कर देते हैं, पीछे पीछे मशीन चलती है सीड्रिल जिससे बुआई हो जाती है। तो साथियों आप अगर खाद दे रहे हैं सोयाबीन में, आपने खाद नहीं दिया है बुआई के समय, खाद नहीं दिया है और आपको अगर खरपतवार नाशक का भी छिड़काव करना है और खाद भी देना है, तो आप पहले खाद देवें कि पहले खरपतवार नाशक का छिड़काव करें, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथियों ये सोयाबीन है जो हमने इसको 4 जुलाई 2023 को लगाया था और आज है 25 जुलाई 2023। साथियों ये लगभग 21 दिन की हो चुकी है और अब इसमें खाद देने की स्थिति बन रही है। अभी अगर पानी आता है तो उसमें खाद देने की स्थिति बन जाएगी और खाद इसमें दिया जाएगा। तो साथियों टॉपिक पे आते हैं कि पहले खाद दिया जाना चाहिए कि पहले स्प्रे किया जाना चाहिए। साथियों अगर आपके खेत में अगर चारा बहुत मात्रा में, यानी कि खरपतवार बहुत मात्रा में है, तो आप खरपतवार नाशक दवाई स्प्रे करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप खेत की स्थिति देखें। अगर खेत गीला है, 3-4 दिन तक सूखे ना, पानी ना आने पर 3-4 दिन तक खेत गीला ही रहना चाहिए, तो आप दवाई का स्प्रे करें। और उसके बाद जो बीज भंडार द्वारा बताए गए तरीके हैं उनके हिसाब से आप दवाई का स्प्रे करें। और उसके बाद दवाई के स्प्रे करने के बाद आपका जो खरपतवार है, यानी कि सूखने लग जाता है इस प्रकार से, ये इसमें पीलापन आ जाता है या फिर एक चॉकलेटी कलर आ जाता है, तो उस प्रकार से अगर आपका खरपतवार सूखने लग जाए तो 2-3 दिन तक सूखने दें, यानी कि दवाई स्प्रे करने के 10-12 दिन बाद आप खाद का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों अगर आप पहले अगर खाद का प्रयोग करते हैं, यानी कि यूरिया अगर पहले उपयोग करते हैं, तो सबका खरपतवार है उसको भी यूरिया मिल जाएगा, तो वो भी सोयाबीन से ऊपर निकल जाएगा और आपको फिर उसको ख़त्म करने में, उस खरपतवार को ख़त्म करने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो साथियों मेन बात यही है कि अगर आप खरपतवार नाशक का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहले खरपतवार नाशक का प्रयोग करें और उसके बाद आप उसमें यूरिया का प्रयोग करें। जिससे क्या होगा कि एक बार खरपतवार नाशक को अगर खरपतवार को अगर दवाई मिल जाएगी तो वो ख़त्म होने लग जाएगा, उसके बाद अगर आप खाद का छिड़काव भी करेंगे तो उस पर असर नहीं होगा पौधे में, क्योंकि उसकी चाल रुक जाएगी, वो लगभग ख़त्म होने लग जाएगा और आपके सोयाबीन को वो खाद मिल जाएगा तो सोयाबीन और बड़ी हो जाएगी और वो खरपतवार उसके अंदर दब जाएगा, जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप पहले खाद का छिड़काव करते हैं तो खरपतवार और सोयाबीन दोनों बड़ी होगी और खरपतवार सोयाबीन से ऊपर निकल जाएगा और फिर आपको उसको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो साथियों ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि आपको बताना चाहता हूँ कि पहले आप खाद का छिड़काव करें कि पहले स्प्रे का छिड़काव करें। तो साथियों इसका मेन कंक्लूज़न यही है कि आप पहले खाद का छिड़काव ना करें, पहले खरपतवार नाशक का छिड़काव करें, उसके बाद ही आपका खाद का प्रयोग करें। साथियों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और ऐसी जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।